हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी 7A के बारे में जानकारी, जो अब नया अपडेट आया है रेडमी 7A का। चलो देखते हैं, तो इसके सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं इसके नए अपडेट को। आपने ये अपडेट कर लिया होगा जिससे MIUI वर्ज़न का, ये मैंने हैंड राइटिंग ऐसी कुछ कर रखी है तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो इसकी सेटिंग को देखते हैं। सबसे पहले लॉक सेटिंग, लॉक सेटिंग पर ये लॉन्च कैमरा है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो ये आपका कैमरा जैसे जैसे अपडेट होगा आपका बदलता रहेगा कैमरा। और डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाते हैं, ये डार्क मोड हो जाएगा इधर से। अगर आपको अपना फ़ोन Redmi 7 डार्क करना है तो डार्क, और लाइट मोड पर करना है तो लाइट मोड। शेड्यूल डार्क मोड, और डार्क मोड पर ही रहेगा इससे। आप कब तक टाइम सेट कर सकते हो इधर, कि कब से कब तक डार्क मोड पर रखना है। और यहाँ में इसमें कलर स्कैम, आप कलर चुन सकते हो इससे कि कौन से कलर पर रखना है, इस पर या इस पर या इस पर। मैंने ऑटो कर रखा है। अच्छा, और आप सिस्टम फ्रंट यहाँ ये कई प्रकार की राइटिंग आ चुकी हैं। देखो, आप इनसे किसी की भी चुन सकते हो, जैसे मैंने अपने फ़ोन की कर रखी है। जैसे आपको ये राइटिंग करनी है, तो रुको मैं अपना नेटवर्क ऑन करता हूँ। जैसे आपको ये राइटिंग करनी है, ये वाली, तो सिंपली इस पर फ्री पर दबाना है, ये डाउनलोड हो जाएगी और आपके फ़ोन में लगा सकते हैं फ्री। और वॉलपेपर यहाँ से लगा सकते हैं, इससे चुन सकते हैं वॉलपेपर। रिंग टून इधर से चुन सकते हैं आप, रिंग टून। हैंड राइटिंग यहाँ है, और तो इधर कुछ नहीं है। और देखते हैं डिस्प्ले में टेक्स्ट साइज। अब अपने अपने आप अपने इसी फ़ोन के अक्षरों को इससे बढ़ा सकते हो या छोटे कर सकते हो। मैंने एस कर रखा है। और स्टेट बार, आप इसमें स्टेट बार पर ऑप्शन, जैसे शो नोटिफिकेशन आइकन दिख जाएंगे। सो इस पर आप ऑन करने से आपकी नेटवर्क स्पीड दिखने लगती है। देखो, जैसे मेरे ऊपर दिख रही है। और एडिट और बैटरी, आप बैटरी कैसा करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, देखो किस प्रकार आ रही है। ऐसा करना चाहते हो, देखो ऊपर कैसा हो गया। आप, मैंने सिंपली ऐसा कर रखा है। ओके, और रुको और बताएंगे। अब नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन के बारे में, स्टेट बार ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। वॉलपेपर, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन वाला डिफ़ॉल्ट लॉन्च, ये सिस्टम लॉन्च हुआ है, आप डाउनलोड कर लेना। मैंने डाउनलोड कर रखा होम स्क्रीन क्लासिक, या आपको ऐसी चाहिए ये नीचे से खुलती है, मैंने ऐसी कर रखी है, आप कर सकते हैं। और इधर आइकन साइज बता दिया है मैंने। लेआउट, सो मेमोरी स्टेटस, और थीम्स, यहाँ से आप थीम्स, वॉलपेपर, रिंग टून, यहाँ रिंग टून लगा सकते हो आप, कोई भी ये रिंग टून है। और इधर पासवर्ड लगा सकते हो, जैसे आपको लगाना है स्क्रीन लॉक तो स्क्रीन लॉक लगा दो सकते हो, पैटर्न पेन या पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो। फेस लॉक लगाना है तो इधर से फेस लॉक लग जाएगा। और इधर से ब्लूटूथ कनेक्ट का लॉक है। एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, इसमें डेट, टाइम, लैंग्वेज, रीजन, और क्या, नोटिफिकेशन लाइट, क्विक वैली, ये सब दे रखी है। वन हैंड, आप एक हाथ से जैसे फ़ोन चलाना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे छोटा बड़ा। मैंने 4.0 इंच कर रखा है। साउंड इफेक्ट, आपको अपने फ़ोन में ये साउंड इफेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो ये आ रहे हैं मेरे पास ऑप्शन, मैंने ये कर रखा है सबसे पहले वाला जनरल। आप जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर लेना। और फुल स्क्रीन डिस्प्ले, ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी इधर से, आप अगर फुल स्क्रीन चाहते हैं तो। जैसे ये मैंने, यहाँ से फुल स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बारे में बता दिया मैंने। यस, एप्स के बारे में देखो, एप्स सेटिंग या ड्यू ऐप लॉक, आप अपने ऐप, आपके मोबाइल में कोई भी ऐप हो लॉक लगा सकते हो, मैंने लगा रखा है। देखो,
आप इधर से किसी भी ऐप को छुपा सकते हो या लॉक लगा सकते हो इनमें से किसी पर भी। मैंने लगा रखा है देखो। और देखो, और ड्यूल ऐप, ये सबसे बड़ी जानकारी है, आप इसे ध्यान से देखना। आप क्रिएट, अगर कोई भी तुम आप ऐसे करते हो ना, क्रिएट पर दबाते हो तो ये वाइट स्टूडियो पिक्सल ये डबल हो जाएंगे, डबल एक ही फ़ोन में डबल। जैसे आपको व्हाट्सएप दो नंबरों से चलाना अलग अलग, तो दो नंबर, एक नंबर एक ऐप में, दूसरा दूसरे में, तो आप ऐसा कर सकते हो, इधर ऑन करके दो बार आ जाएंगे। मैनेजर पर देखते हैं, इसमें तो मैंने जितने फ़ोन में ऐप में, और ये सिस्टम ऐप सेटिंग, ये सिस्टम ऐप ऐपों के बारे में, और आपको अपना गूगल, हाँ इधर आपका गूगल अकाउंट है, मेरा गूगल अकाउंट, और इधर अकाउंट। जैसे ही आपको अपना गूगल अकाउंट कभी डिलीट करना है, ईमेल आईडी अपने फ़ोन में से, तो ये मेरी दो आईडी चल रही है, तो आप इधर से स्कैन नाउ दबा सकते हो। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो इधर से डिलीट हो सकती हैं, पर मैं नहीं करना चाहता। जैसे ये आ गया रिमूव अकाउंट, तो ये अकाउंट हट जाएगा। अच्छा ये हो गया, और ये लोकेशन का, ये प्राइवेसी है अपनी, मैंने शो कर रखी है, आप अपने इच्छा अनुसार करें। ये ही आई है, और इसमें देखो आपको कॉल के बारे में बताऊंगा कुछ। जैसे कॉल, यहाँ पर ये नंबर है, आपको अपने सिम का नंबर है, ईमेल आईडी का नंबर है, सिम टू का नंबर है, ये सब ले सकते हो इधर से। कॉन्टैक्ट में जाओ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपकी जो भी सिम में नंबर है बिना फ़ोन में लेना चाहते हो, तो इधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दबा सकते हो, सिम वन सिम टू आपके आ जाएंगे। अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट किसी पर भेजने, तो यहाँ शेयर कॉन्टैक्ट दबा सकते हो। और इधर सेटिंग में और बताते हैं, चलो ये हो जाएगा डिस्प्ले फ़ोटो, फ़ोटो दिखेगी स्क्रीन पर, शो कॉन्टैक्ट नंबर शो होंगे, हाइड इनकम्प्लीट नंबर, जो आधे नंबर हैं वो भी आपको दिखेंगे इससे। और क्या कर सकते हैं आप, बस इसमें इतना ही कुछ है। ये फ़ोन बेहतर है, और अब इसमें आप इसको अपने सिस्टम सेंटर, सिस्टम आप अपने फ़ोन को एप्पल जैसा बना सकते हो। इसी को देखो मैं बना के दिखाता हूँ, सेंटर आपको सर्च करना है, सेंटर आप यहाँ से क्लीन कर सकते हो अपने फ़ोन को। और देखो क्लीनर आ गया, और रुको मैं करता हूँ। बस यही जानकारी थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। धन्यवाद।